सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पा सकते हैं हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। ऐसा करना बिल्कुल फ्री है। हेलो फ्रेंड्स, इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि हम हमारे कोर्स में एक क्विज कैसे क्रिएट करते हैं। लास्ट टाइम पे हमने ये क्विज क्रिएट किया था, हमारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कोर्स में एक क्विज क्रिएट किया था। अब हम ये देखेंगे इस वीडियो में कि इस क्विज में हम क्वेश्चन कैसे ऐड करते हैं। अभी तक हमने इसमें क्वेश्चंस ऐड नहीं किए हैं, तो इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि कैसे हम इस क्विज में क्वेश्चंस ऐड करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने ये क्विज इतना बनाया था, तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ रहा है एडिट क्विज। तो आपको एडिट क्विज पे क्लिक करना है। जैसे ही आप एडिट क्विज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये क्विज को एडिटिंग मोड में लिया है। यहाँ पर अब आपको क्या करना है, क्वेश्चंस ऐड करने हैं। अभी आपको यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर ब्लैंक है, मतलब कि इसमें एक भी क्वेश्चन ऐड नहीं है। तो यहाँ से आप जैसे ही यहाँ पर नीचे ऐड का ऑप्शन देख रहे हैं, ठीक है, तो आपको इस ऐड के ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन शो कर रहा है। पहला ऐड ए क्वेश्चन, ऐड ए क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन बैंक एंड एक रैंडम क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी हम फिलहाल देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे ऐड करने हैं। अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि हम क्वेश्चन बैंक कैसे क्रिएट कर सकते हैं, क्वेश्चंस का सेट हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और सिंपली उस डेटा सेट से, क्वेश्चंस के सेट से हम क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। फिलहाल हम देखेंगे कि हम नया क्वेश्चन, एक कैसा क्वेश्चन कैसे ऐड करते हैं। तो हमें ए ऐड ए न्यू क्वेश्चन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही हमें यहाँ पर क्लिक किया तो ये हमें दिखा रहा है, यहाँ पर ऑप्शन हमसे पूछ रहा है कि हमें किस टाइप का क्वेश्चन ऐड करना है, कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है या फिर ट्रू फॉल्स का है, या फिर मैचिंग वाले क्वेश्चन हैं, या फिर शॉर्ट आंसर है, न्यूमेरिकल, ऐसे कैल, ये सारी बहुत सारी यहाँ पर आपको टाइप्स हैं जो शो की हुई है। तो आपको उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि आप कौन सा, किस टाइप का क्वेश्चन ऐड करना चाहते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन ऐड कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर मल्टीपल चॉइस वाला सेलेक्ट करके और सिंपल ऐड पर क्लिक कर दूँगा। तो जैसे ही मैंने ऐड पर क्लिक किया तो यहाँ पर हमें ये क्वेश्चन के लिए हमें एंट्रीज फिल करवा रहा है, ठीक है। तो इसमें आप कैटेगरीज यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं या फिर बाय डिफ़ॉल्ट रह सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट रख सकते हैं इसको, ठीक है। वो पूछ रहा है कि क्वेश्चन की कैटेगरी क्या है, तो आप इसको बाय डिफ़ॉल्ट रख सकते हैं DBMS। क्वेश्चन नेम, मतलब जैसे आप यहाँ पर शो करता है ना क्वेश्चन का नेम, जैसे क्वेश्चन वन, आप ऐसे क्वेश्चन का नाम क्या देना चाहते हो, या फिर आप ऐसा देना चाहते हो क्वेश्चन वन, तो ऐसे क्या नाम देना चाहते हो। तो मैं सिंपल यहाँ पर क्यों वन, ऐसे पहला क्वेश्चन क्वेश्चन वन दे देता हूँ। उसके बाद आपको क्वेश्चन का टेक्स्ट यहाँ पर ऐड करना है, क्वेश्चन क्या है। तो मैं सपोज यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन ऐड कर देता हूँ, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DBMS, ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन ऐड करने के बाद यहाँ पर ये डिफ़ॉल्ट मार्क पूछ रहा है कि मतलब करेक्ट क्वेश्चन होने के लिए कितने नंबर देना चाहते हैं, तो अभी मैं इसको वन कर देता हूँ। फिर यहाँ पर इसको आप छोड़ सकते हैं और डायरेक्ट आप यहाँ पर ये फीडबैक पूछ रहा है क्वेश्चन के बारे में, इसको छोड़ दीजिए। फिर यहाँ पर ये पूछ रहा है कि ओनली वन आंसर, कितने आंसर्स अलाउ हैं, मतलब कि मोर देन वन आंसर भी हो सकते हैं। तो हम भी, हमारे पास अभी हम फिलहाल चार ऑप्शन रखेंगे जिसमें एक ऑप्शन करेक्ट होगा, तो यहाँ पर हमें ओनली वन आंसर रख पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप क्वेश्चन की चॉइस यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, ABC रखना चाहते हैं, 1, 2, 3 जो भी आप रखना चाहते हैं या सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं ABC रहने देता हूँ। फिर यहाँ पर आपको उनके चॉइस देने होंगे, ठीक है। तो सपोज मैं पहली चॉइस देता हूँ, यहाँ पर आपको चॉइस देनी है, तो पहली चॉइस में देता हूँ, अपना क्वेश्चन था व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ DBMS, तो पहली चॉइस में करेक्ट आंसर दे देता हूँ, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है, ये पहला ऑप्शन है। तो ऐसे ही हम यहाँ पर दूसरा आंसर देंगे, चॉइस नंबर टू, मैं यहाँ पर दे देता हूँ जैसे डेटा मैनेजमेंट सिस्टम, और थर्ड मैं यहाँ पर दे देता हूँ चॉइस थ्री में डेटा मॉड्यूल सेट, कुछ भी यहाँ पर दे सकते हैं अपन, जिसमें से एक करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। और फोर्थ में लेट से देता हूँ नन, ठीक है। तो अब ये चार आपने
चॉइसेस प्रोवाइड कर दी। अब आपको यहाँ पर बताना है कि इनमें से कौन सी चॉइस जो करेक्ट आंसर है। तो जैसे हमारा पहला चॉइस है जो करेक्ट आंसर है, तो आपको उसके नीचे जो ग्रेड वाला है नन, यहाँ से सेलेक्ट करके इसमें 100% करना होगा। मतलब कि ये इसमें 100% ग्रेड मिलेगी अगर कोई इस चॉइस को सेलेक्ट करता है, तो मतलब ये करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से आप चार ऑप्शन देके और यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा आंसर करेक्ट है। ये सब कुछ चॉइस देने के बाद आपको डायरेक्ट यहाँ पर ये पांच शो कर रहा है, पांच चॉइसेज। आप चार देना चाहते हो चार दे दो, और पांच देना चाहते हो तो पांच दे सकते हैं, और भी ऐड करना चाहते हो फिर यहाँ से आप इस पर क्लिक करके और चॉइसेज भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर ये पूछ रहा है फीडबैक, अगर आप किसी का क्वेश्चन सही होता है तो आप उसके नीचे क्या फीडबैक देना चाहते हो। तो सिंपल यहाँ रहने देता हूँ मैं, योर क्वेश्चन इज करेक्ट, आप कुछ भी दे सकते हैं। और अगर गलत हुआ तो यहाँ पर आप सिंपल लिख सकते हैं योर आंसर इज इनकरेक्ट और योर आंसर इज पार्शियली करेक्ट, कुछ भी आप फीडबैक दे सकते हैं। ठीक है, ये सब कुछ करने के बाद फाइनली आप यहाँ पर पेनल्टी फॉर ईच इनकरेक्ट क्वेश्चन, ये पूछ रहा है कि ईच इनकरेक्ट के लिए कितनी पेनल्टी रखना चाहते हो। तो अभी मैं लेट से 0 रख देता हूँ, या फिर जैसे हमने नेगेटिव मार्किंग रखना चाहते हैं तो यहाँ पर हम 33.33 पेनल्टी रख सकते हैं। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं या फिर कोई पेनल्टी नहीं रख सकते हैं। हिंट वगैरह आपको देना नहीं है। यहाँ पर ये पूछ रहा है कि सॉरी पेनल्टी फॉर ईच इनकरेक्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर मैं इसको 0 कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर फिर ये है कि आप अगर मोर देन वन अटेम्प्ट अलाउ करना चाहते हैं तो फिर आपको हिंट दे सकते हैं, एक बार इनकरेक्ट होने के बाद दूसरे बार आप हिंट दे सकते हैं। ये सब ऑप्शंस हैं जो आप अपने अकॉर्डिंग फिल कर सकते हैं। फिर यहाँ पर सिंपली आप टैग्स ऐड कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। ठीक है, तो टैग्स ऐड करने के बाद आपको फाइनली यहाँ पर सेव करना है अगर आप सेव करना चाहते हैं तो, और सेव करके आप कंटिन्यू एडिटिंग करना चाहते हैं मतलब और क्वेश्चन ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर और क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। मैं फिलहाल इसको एक ही क्वेश्चन रहने देता हूँ इसमें, और यहाँ पर मैं सेव चेंजेस पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो सेव चेंजेस पे क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं कि हमारे क्विज में एक क्वेश्चन ऐड हो चुका है। इस तरीके से आप दोबारा यहाँ पर क्लिक करके मल्टीपल टाइम क्वेश्चंस, जितने क्वेश्चंस आप चाहते हैं वो ऐड कर सकते हैं। अभी मैंने ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन ऐड किया हमारे क्विज में। अब मैं क्या करता हूँ, एक एज ए स्टूडेंट लॉगिन करके आपको बताता हूँ कि ये क्विज कैसे अटेम्प्ट करते हैं, कैसा शो होता है। तो मैंने दूसरा ब्राउज़र ओपन किया हुआ है जिसमें मैंने एज ए स्टूडेंट लॉगिन किया हुआ है। यहाँ पे मैंने एज ए स्टूडेंट लॉगिन किया है, तो मैं जैसे ही डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कोर्स पे ओपन करूँगा तो यहाँ पर हमें शो कर रहा है DBMS क्विज। ये ध्यान रहे कि ये ऐसा एक स्टूडेंट शो करेगा क्योंकि मैंने एज ए स्टूडेंट लॉगिन किया हुआ है। तो मैं जैसे ही इस क्विज पे क्लिक करूँगा तो ये यहाँ पर हमें ऐसे शो करेगा इसका डिस्क्रिप्शन, और फिर यहाँ पर सिंपल हमें ऑप्शन आ रहा है अटेम्प्ट क्विज, और इसको आप अटेम्प्ट क्विज पे क्लिक करके यहाँ पर आप क्वेश्चन से अटेम्प्ट कर सकते हैं इसको, और फिनिश अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको क्वेश्चन शो करते जाएंगे, और फाइनली फिनिश होने के बाद आप सबमिट या फिनिश ऑल फाइनल सबमिशन कर सकते हैं। कंफर्म पूछेगा और सबमिट कर देंगे हम, फाइनल सबमिशन कर देंगे। तो इस तरीके से हम एक क्यूज बना सकते हैं, और उसको स्टूडेंट ऐसे क्यूज को क्रिएट अटेम्प्ट कर सकता है। यहाँ पर ये हमें फिर करेक्ट और इनकरेक्ट यहाँ पर हमें उसके अकॉर्डिंग शो कर देगा। तो इस वीडियो में अब हम इतना ही देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम क्वेश्चन बैंक कैसे क्रिएट करते हैं, और फिर हम क्वेश्चंस डायरेक्ट क्वेश्चन बैंक से कैसे ऐड करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड मैं फिर से एक बार बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर मूडल की ऐसे ही ट्यूटोरियल सारे ट्यूटोरियल्स अपलोड करूँगा, और ऐसे ही टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोज़ अपलोड करता रहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय एंड टेक केयर।